ये समझे कि प्रोड्यूसर का तांता लग गया उनको साइन करने के लिए पॉजिटिव रोल्स में, हीरोज के रोल में, और ये समझिए कि वो इंडस्ट्री के टॉप हीरो में से माने जाने लगे थे। प्रेमराज जी ने उस वक्त की तमाम बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया जो बहुत ही खूबसूरत थीं, और हम लोग सोचा करते थे कि इनकी पर्दे की जो हीरोइंस हैं बहुत खूबसूरत हैं, इनके घर की हीरोइन कैसी होगी। तो सारी इंडस्ट्री में यही चर्चा चलता था कि ये किस हीरोइन के साथ शादी करेंगे, क्योंकि उस वक्त वो जिसकी तरफ भी हाथ बढ़ा देते। सन 1952 में मैं प्रेम जी से मिली, फिल्म औरत में मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य हुआ। मैंने सुना कि वो असली शेर से लड़ने वाले, तो मैं किसी और के सेट पे थी, अपनी शूटिंग कैंसिल करके मैं उनके सेट पे गई उनसे कहने के लिए कि आप डुप्लीकेट लीजिए और खुद शॉट ना कीजिए। मगर वो इतने इन्वॉल्व थे सीन में, उन्होंने मुझे भी बोला कि तुम भी आ जाओ सीन में। प्रेम जी के मन में ये आ गया कि मैं तो इसी औरत से शादी करूंगा। ये बड़ी खुशखबरी थी और सब लोग बड़े खुश हुए कि बीना की और प्रेम की शादी हुई। He got married in 1952.